पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग और भारतीय इतिहास संकलन समीक्षा गोरक्ष प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में सदस्य सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय इतिहास संकलन समिति गोरक्ष प्रांत के राष्ट्रीय संगठन सचिव बाल मुकुट पांडे, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी, मंत्री दिग्विजय नाथ मौर्य, इतिहास विभाग की अध्यक्षा निधि चतुर्वेदी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रांत के सदस्यों को प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बाल मुकुट पांडे ने भारतीय इतिहास संकलन समिति की स्थापना के उद्देश्य और विस्तार पर प्रकाश डाला। अपने जीवन के सर्वोच्च नहीं चुनिंदी गोरक्ष प्रांत के महामंत्री बैठकर हुए दुर्जन मित्रों कार्यकर्ताओं का निर्माण और इतिहास में आए हुए विकृतियों को दूर कर भारतवर्ष का वास्तविक इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारतीय इतिहासकारों द्वारा भारतीय एजेंसियों पर भारत के स्वाभिमान के द्वारा इस रचना हो इस आंदोलन लगा हुआ है। मैं 39 में यहाँ एमए सेकेंड ईयर का छात्र था, परीक्षाएं हो गई थी और परीक्षा के बाद ऑल इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन हुआ था। उसमें इरफान हबीब अपने शिष्यों के साथ अलीगढ़ स्कूल को लेकर गए थे। हमारे लिए गोरखपुर में किसी भी रचनात्मक कार्यक्रम में गोरखपीठ का बहुत बड़ी भूमिका रहती है, इसलिए सम्मान पूर्वक हम लोगों ने बड़े महाराज जी को यहाँ के डिपार्टमेंट में बड़े महाराज जी को उद्घाटन के सत्र में आमंत्रित किया था। जैसे महाराज जी मंच पर आए वैसे ही इरफान हबीब और जेएनयू अलीगढ़ स्कूल के लोगों ने यह कहते हुए कि यह सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, विवादित व्यक्ति हैं और हाल से बाहर जाने लगे, बिना परवाह किए उनको बाहर आने दिया गया और महाराज जी ने अपनी पूरी बात कही। हम सब विद्यार्थी थे, उदंडता के कारण भी या शक्ति के कारण भी हम लोग उस कार्यक्रम को असफल नहीं होने दिए। संस्थाओं का आनंद है जो राष्ट्रवादी ऐसे इतिहासकारों का संगठन है, ऐसे राष्ट्रीय विचारधारा रखने वाले इतिहासकारों का संगठन है। बाद में संघ के प्रसारक होने के बाद एक बांग्लादेश छात्र के बाद मुझे इतिहास करते हुए काम किया गया, उसके आधार पर मैं देश में प्रवास कर रहा हूँ। 2004 में एक प्रयास किया गया कि वो ऐसे इतिहासकार हैं जिनकी स्थिति भारत के चैतन्य से तदान स्थापित नहीं करती, जिनके इतिहास के लेखन में भारत नहीं है, जिसके इतिहास के लेखन में भारत के स्वाभिमान नहीं है। आज भी उनका इतिहास केंद्रित है, यूरो सेंट्रिक है। आज भी फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश इतिहासकार उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहासकार का कोई महत्व उसमें नहीं है। ऐसे इतिहासकार जिनको भारत के स्वाभिमान से घायल होता है, ऐसे इतिहासकार से भारत के भूमि, भारत के जन, भारत महापुरुष और भारत के प्रज्ञा को अपमानित करने में विद्वता सिद्ध करते हैं, ऐसे इतिहासकारों के अलावा कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं बहुत बड़ी संख्या में जिनका दादा में भारत माता से है, भारत वर्ष से है, भारत का स्वाभिमान से है, भारत की मेधा से है। तो केवल इतिहास जो हिस्ट्री कांग्रेस है उसमें अपने लोग भी काम करके मार्ग शिक्षा संस्था थी तो प्रयास करके विश्वकर्मा जी इसमें पदाधिकारी थे। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता यहाँ के सामने प्रसारण आते था तो भोपाल हिस्ट्री कांग्रेस में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और लगभग 450 संख्या अपने इतिहास इतिहास के जो संशोधन कार्यकर्ता जोड़ा गया। उस संगठन में यही चर्चा हो गई थी कि आज बाहर से आए थे, सरस्वती नदी नहीं थी, आज एक गोमांस खा गए थे, 1857 सिपाही विद्रोह था, भारत को सात सपेरों का देश था,
भारत को गवारों प्रदेश था, अंग्रेजों ने आकर मुसलमानों ने आकर के इसका विकास किया है। वेद तो घड़ियों का गीत है, पुराण तो ब्राह्मणों के जीने खाने के बना दिया है, जो भी मिथक है उसमें जो अपने कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आए तो उस बात नाम नहीं मिल पाए, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव पारित कर लिया कि उनका एक एनजीओ है और उसमें प्रस्ताव पारित किया कि हम मेंबरशिप रिव्यू करेंगे और व्यवस्था बनाकर जितने मेंबर हमारे थे उनको मेंबरशिप से बाहर कर दिया गया और उन्होंने एक नया संविधान बनाया कि तीन बार मेंबर होना आवश्यक है। इतिहास का जो निर्धारण आवश्यक है और जो अस्थायी मेंबर हिस्ट्री कांग्रेस का है वह जो सेटिस्फाइड करेगा अपने मेंबर बनेगा।